हेलो स्टूडेंट टुडे आई डिस्कस अल्फा डिसिनटीग्रेशन एंड इट्स थ्योरी अल्फा डिसंटीग्रेशन क्या होता है और इसकी थ्योरी क्या होती है आज के टॉपिक में हमें ये रीड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी स्टडी अल्फ़ा डिसंटीग्रेशन अल्फ़ा डिसंटीग्रेशन क्या होता है द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन कलेक्टिवली नॉन एज न्यूक्लियन जैसे हमारे पास कोई एक आइटम होता है उसके सेंटर पर न्यूक्लियस प्रजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रजेंट होते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियन और न्यूक्लियन के अंदर क्या प्रजेंट होता है प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन वन प्रोटोन एंड वन न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियन के अंदर एक प्रोटोन और एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है या फिर हम डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटोन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनका कॉम्बिनेशन प्रेजेंट रहता है अंदर कि द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यहाँ पे नंबरिंग नहीं बता रखी कि एक प्रोटॉन है या एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियन के अंदर होता है वो सब तो यहाँ पे है द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू द एटोमिक नंबर जेड एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द ए माइनस जेड वेयर ए इज द मास नंबर द प्रोटोन कैरी एफ पॉजिटिव चार्ज एंड देर इज एन इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स रिपल्सन बिटवीन दैम जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई बेसिक ही होता है एक् जेड ए ए इज रिप्रेजेंटेड बाई द मास नंबर ठीक है एंड जेड इज रिप्रेजेंटेड बाई द एटोमिक नंबर एटॉमिक नंबर भी इसको जड़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं टू हीलियम फ़ोर का इसके अंदर एटॉमिक नंबर क्या है टू और इस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या है टू मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं या फिर हम इनको एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हैं या फिर हम एटॉमिक नंबर ओबलिक नंबर ऑफ प्रोटॉन भी लिख सकते हैं ऊपर क्या है मास नंबर ठीक है मास कितना है फोर है अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात आए तो यहाँ पे हम फोर माइनस टू करते हैं फोर माइनस टू इज़ इक्वल टू टू तो ये क्या आ जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इट मीन्स यहाँ पे अगर हम इक्वेशन देखें तो a माइनस जेड यही हम यहाँ पे स्टडी कर रहे थे द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द a माइनस जेड व्हर ए इज़ द मास नंबर द प्रोटोन कैरी टू पॉजिटिव चार्ज प्रोटोन के ऊपर चार्ज क्या होता है पॉजिटिव ठीक है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है नेगेटिव और न्यूट्रॉन क्या होता है न्यूट्रल होता है ठीक है ये क्लियर है पोर्शन उसके बाद क्या है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियन इज वेरी वीक जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम ग्रेविटेशन फोर्स को रिप्रेजेंट करते, है, तो करते हैं कैपिटल जी तो वो जो फार्मूला यूज़ करते हैं उसमें तो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर हम कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियन इज वेरी वीक न्यूक्लियन न्यूक्लियन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है वीक है द न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियन इज वेरी शॉर्ट रेंज कि न्यूक्लियन न्यूक्लियन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसकी रेंज क्या होती है शॉर्ट होती है ठीक है जैसे एटम के अंदर जो न्यूक्लियस पड़ता न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है प्रोटोन और न्यूट्रॉन प्रोटोन पर पॉजिटिव न्यूट्रॉन पे न्यूट्रॉन फिर भी ये स्ट्रॉन्गली बाउंड होते हैं वो किसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स की हेल्प से और न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है शॉर्ट रेंज फोर्स होता है ठीक है अगर ये रेंज लार्ज कर दी जाए तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रहता है तो न्यूक्लियन इज ए वेरी शॉर्ट रेंज एंड सो द टोटल बाइंडिंग एनर्जी इन ए न्यूक्लियस इज अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर ए उसके बाद में ये सब हमारा अल्फ़ा के बारे में पढ़ रहे थे कि इसमें अल्फ़ा डिसिनटीग्रेशन क्या होता है इसकी बेसिक थ्योरी थी उसके बाद में जैसे कि टॉपिक हमारा क्या था कि डिस्कस द अल्फा डिसंटीग्रेशन एंड इट्स थ्योरी अल्फा डिस के बारे में हमें स्टडी कर लिया अब इसकी बेसिक थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे यहाँ पर और उसके बारे में हम यहाँ पर क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाई एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल फेवर इमिशन तो इस थ्योरटिकल पोर्शन में हम क्या रीड आउट कर रहे हैं कि द अल्फा पार्टिकल विच कंसिस्ट ऑफ टू प्रोटोन एंड ट्यू न्यूट्रॉन हैज़ वेरी हाई बाइंडिंग एनर्जी मोर देन ट्वेंटी एट मेगा इलेक्ट्रॉन बिकॉज द अल्फ़ा पार्टिकल मास स्मॉलर देन दैट ऑफ़ इट कॉन्सिटेंट न्यूक्लियन इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर हमें जैसे जो बेसिक डाइग्राम हमारे पास था तो उसमें जैसे यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या प्रजेंट थे प्रोटोन थे और नीचे क्या थे न्यूट्रॉन थे तो हमें ये लास्ट दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन इनको ऐसे डॉटेड में बाउंड कर रखा था और उसके ऊपर हमें एरो डाल के लिख रखा था अल्फा पार्टिकल तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि द अल्फ़ा पार्टिकल विच कंसिस्ट ऑफ टू प्रोटॉन ये टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन ये नीचे दो न्यूट्रॉन इन दोनों के एक सर्कल के अंदर बाउंड कर रखा और इसको हम अल्फा पार्टिकल बोल रहे हैं टू प्रोटोन एंड टू न्यूट्रॉन हैज़ वेरी हाई बाइंडिंग एनर्जी More than 28 mega electron because the alpha particle mass is sufficiently smaller than that of its constituent nucleon. The energy is represented by the Kau. Disintegration energy is represented by Kau. Release when various particles are emitted by a heavy nucleus. This is given by Kau is represented by the disintegration energy, is equal to MP minus small bracket. एम डी प्लस शमॉल एम इंटू एक्स इंटू सी स्क्वेयर ठीक है यहाँ पे एम पी एम पी किस को रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस पेरेंट इनिशियल मास ऑफ द इनिशियल न्यूक्लियस एम डी यहाँ पे पेरेंट पी रिप्रेजेंटेड बाय द पेरेंट डी रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटर या फिर एम एम आई या एम एफ भी यूज़ कर सकते हैं पी की जगह आई और डी की जगह एफ़ यूज़ कर सकते हैं फिर हम बोल देंगे मास ऑफ द इनिशियल न्यूक्लियस या मास ऑफ द फाइनल या पी और डी यूज़ कर रहे थे मास ऑफ द पेरेंट या मास ऑफ द डॉटर उसके बाद एम ऑफ एक्स है इसको हम क्या बोलेंगे मास ऑफ द पार्टिकल इमिटेड स्विश कॉन्स्टेंट वैल्यू रहेगी हमारे यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट के लिए उसके बाद क्या है द एल्फा डी के ओकर इन सच न्यूक्लियाई एज ए मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग देयर स्टेबिलिटी बाई रिड्यूसिंग देयर साइज द एल्फ़ा डी के फ्रॉम नाइन्टी टू यूरनियम टू थर्टी एट न्यूक्लियस इज अकॉम्पेंड बाई रिलीज फाइव पॉइंट फोर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हमें यहाँ पे एल्फा डी के इसमें ये एक एग्जाम्पल लेके चले थे नाइन्टी टू यूरेनियम का इसका मास नंबर क्या है टू थर्टी एट इस केस में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे फ़ाइव पॉइंट फोर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हुज एटोमिक नंबर जड इज ग्रेटर दैन 82 Oblique mass number 208 spontaneously disintegrate with parent nucleus mass of P decaying into a daughter nuclear M of D. Mass of parent nucleus represented by M of P and mass of daughter nucleus is represented by M of D. They have into daughter nucleus and an alpha particle. Helium nucleus. The alpha particle and the daughter nucleus. अल्फा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लियस हैव ए काइनेटिक एनर्जी इफ काइनेटिक एनर्जी इवन इफ पेरेंट न्यूक्लियस इज एट रेस्ट इसके इसमें पेरेंट न्यूक्लियस क्या है रेस्ट है हम अल्फा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियस किसमें है रेस्ट में द नेसेसरी कंडीशन फॉर इमीशन ऑफ एन एल्फा पार्टिकल इज दैट द सम ऑफ द मासज ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस एंड द एल्फा पार्टिकल मस्ट बी लेस देन द मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस कि इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि अल्फा पार्टिकल का मास मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड द मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस दोनों का जो सम है दोनों का जो एडिशन आएगा वो किसके लेस देन में है मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस दिस डिक्रीज इन मास अपीयर एज द कानेटिक एनर्जी ऑफ द एल्फा पार्टिकल एंड द डोटर न्यूक्लियस द काइनेटिक एनर्जी टी एल्फा ऑफ द इमिटेड एल्फा पार्टिकल इज नैवर क्वाइट नेवर स्मॉल इक्वल टू द डिसंटीग्रेशन एनर्जी क्या बिकॉज सिंस मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व टी एल्फा काइनेटिक एनर्जी इज रिलीज टू क्या डिसइंटीग्रेशन एनर्जी एंड द मास्ट नंबर ए ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियस बाई दिस अल्फा पार्टिकल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय द टी एल्फा या कानेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के लिए यूज करने इज इक्वल टू ए माइनस फोर डिवाइडेड बाई ए ए इज रिप्रेजेंटेड बाई द मास नंबर माइनस फोर डिवाइडेड बाई ए एंड क्या इज रिप्रेजेंटेड बाई द डिस इंटीग्रेशन एनर्जी ठीक है डिस इंटीग्रेशन एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पीछे हम फॉर्मूला देखा है था? क्या इज इक्वल टू मास ऑफ पेरेंट एटम जो हमें ये पीछे फॉर्मूला यूज किया था मास ऑफ पेरेंट एटम माइनस में ब्रेकेट रोम मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियर प्लस मास ऑफ द ये जो एक्स इमिटेड पार्टिकल का इंटू में शी स्वेयर यहाँ से हमें क्या की वैल्यू गिवन मिल जाएगी जो हमें फर्स्ट इक्वेशन में जो फार्मूला स्टडी किया था तो यहाँ पे इसमें हम पुट करेंगे तो अल्फा पार्टिकल एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगी उसके बाद क्या है इट इज़ बिकॉज इमिशन ऑफ ए प्रोटोन विल रिक्वायर सिक्स पॉइंट फोर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी एंड दैट ऑफ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टू हीलियम थ्री का केस देखेंगे तो उसमें नाइन पॉइंट सिक्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू बी सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड थैंक्स फॉर वॉसिंग